आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड टुडे सेशन इज बेस्ड ऑन जो फर्स्ट टॉपिक हमारा आज का है वो है यूट्यूब वीडियो चैनल मैनेजमेंट। तो बेसिकली पहले ये चेक कर लेते हैं हम लोग कि व्हाई वी नीड यूट्यूब एंड व्हाई वी नीड अ चैनल मैनेजमेंट सिस्टम इन यूट्यूब। हमें क्यों जरूरत है यूट्यूब की और क्या हम यूट्यूब की हेल्प से क्या क्या चीजें कर सकते हैं। अभी तक जनरली जो लोग यूट्यूब यूज करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो चेकआउट करने के लिए या वीडियो चेक करने के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के लिए हम लोग वीडियोस को यूज करते हैं। वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग यूट्यूब को यूज कर लेते हैं और इफ यू नीड सम इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम जो चीज देखते हैं वो ज्यादा बेटर तरीके से हमें समझ में आती है। इवन जो लोग प्रोग्रामिंग वाले यहाँ पे होंगे वो लोग इस बात को ज्यादा बेटर तरीके से समझेंगे क्योंकि जब हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो सबसे पहले पढ़ाया जाता है कि आप एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे, फिर हम जाते हैं फ्लो चार्ट कैसे बनाए जाएंगे। तो वी कैन सी द डिफरेंस बिटवीन अ एल्गोरिथम एंड अ फ्लो चार्ट दैट इन एल्गोरिथम वी राइट स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इन अ टेक्सुअल मैनर। जो टेक्स्ट हम वहाँ पे लिखते हैं बेसिकली उसको अगर बहुत लंबा एल्गोरिथम हमारे पास होता है तो उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाता है। इन कंपैरिजन अगर हम उसी एल्गोरिथम को फ्लोचार्ट में कन्वर्ट कर दें इन अ फॉर्म ऑफ अ डायग्राम तो वो डायग्राम को समझना ज्यादा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि ये हमारी खुद की ऐसी टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर इस तरह का है कि जो चीज हम देख लेते हैं एक बार इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम और इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो तो वो ज्यादा बेटर तरीके से हम समझ सकते हैं। दैट्स वाई आज की डेट में अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझना है तो उसको समझने के लिए वीडियो एक बहुत अच्छा मीडियम है। वैसे तो हमारे पास 5 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मीडियम्स होते हैं जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। लाइक वी हैव टेक्स्ट के थ्रू हम लोग पास कर सकते हैं, इमेजेस के थ्रू, वीडियोज के थ्रू, आप ऑडियो के थ्रू, जैसे हम लोग अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं ऑडियो के थ्रू, ये हो सकता है मीडियम, या फिर हम एनिमेशन के थ्रू ये काम कर सकते हैं। तो ओवरऑल इन सब में जो बेस्ट मीडियम माना जाता है वो वीडियो है क्योंकि वीडियो के अंदर हम टेक्स्ट को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, हम ऑडियो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, हम आपकी इमेजेस को इंक्लूड कर सकते हैं। इवन विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन वी कैन मेक अ वीडियो। तो वीडियो में ये सारे के सारे जो आपके मीडियम है जिनके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं वो सब इंक्लूड कर सकते हैं और इट इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट अ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू डिफरेंट पर्सन। ठीक है, तो बेसिकली इसीलिए आपका जो यूट्यूब है वो इतना ज्यादा पॉपुलर है, इतना ज्यादा पॉपुलर सोशल मीडिया के अंदर है क्योंकि इसके थ्रू जो डेटा हम लोग देखते हैं वो ज्यादा ज्यादा बेटर तरीके से हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं। तो दैट्स वाई वी यूज यूट्यूब। ठीक है, वन बाय वन इसको चेकआउट करते हैं। देखिए अगर हम YouTube को एज अ मार्केटिंग टूल की तरफ देखें तो आज की डेट में देयर आर 500 आवर्स ऑफ वीडियो अपलोडेड एवरी मिनट इन YouTube। आप समझ सकते हैं कि एक मिनट में लगभग 500 घंटों का वीडियो रेगुलरली आपके ऑल ओवर वर्ल्ड से YouTube में अपलोड होता है एंड देयर आर 2.3 बिलियन यूजर्स वर्ल्ड वाइड इन YouTube। there are 59% of executives जो आपके business executives हैं they prefer watching video or to reading text। मैं अभी आपको यही बता रहा था कि text read करने में थोड़ा परेशानी होती है, in comparison हम video देखें तो ज़्यादा better तरीके से समझ में आ जाए। These are some of the points that are incorporated here to understand that how a YouTube is acting as a marketing tool। तो YouTube generated $19.7 billion revenue in January 2021। टेक्निकली YouTube इज द सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन। सर्च इंजन आपने पढ़ा है, सर्च इंजन का नाम आते ही हमारे दिमाग में जो नाम आता है वो है Google। तो Google का ही, Google ने ही YouTube को डेवलप किया है। तो बेसिकली इट इज ऑल्सो अ सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन। तो जो वीडियो आपको सर्च करने होते हैं वो हम जनरली YouTube में जाके सर्च कर लेते हैं। ओवर 2.3 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं YouTube को इन अ मंथ। YouTube इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Facebook के बाद। फर्स्ट नंबर पे Facebook है, सेकंड नंबर पे आपका YouTube आ जाता है। मोस्ट यूट्यूब यूजर फॉल इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 35। दैट मीन्स कि आप 15 से 35 के बीच के जो लोग हैं वो जनरली यूट्यूब को ज्यादा यूज करते हैं। एंड ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना मोबाइल ट्रैफिक है, मोबाइल टू मोबाइल कम्युनिकेशन होता है, उसमें जनरली 25% जो ट्रैफिक है वो यूट्यूब का रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि यूट्यूब कितना ज्यादा एक्सेसिबल है इन योर डिवाइसेस, इन योर मोबाइल, इन योर टीवी, इन योर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप एक्सेट्रा। तो इंडिया हैज द मोस्ट यूट्यूब यूजर इन 2021 एस्टिमेटेड एट 225 मिलियन। इंडिया में
225 मिलियन लोग यूट्यूब को रेगुलरली यूज करते हैं, ठीक है। तो इन सबको, इन सब चीज पॉइंट्स को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप यूट्यूब पे मार्केटिंग करें बिजनेस की, तो वो ज्यादा बेटर तरीके से आप कर पाएंगे इन कंपैरिजन टू ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक वगैरह। इनमें मार्केटिंग करने से ज्यादा बेटर है कि आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं और उस यूट्यूब में चैनल में अपने वीडियोस अपलोड करें अपने बिजनेस के, और उसको फिर मार्केट करें, तो वो ज्यादा बेटर तरीके से आप मार्केट उसको कर पाएंगे, ठीक है। नाउ अब क्योंकि हम चैनल्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये चेकआउट कर लेते हैं कि यूट्यूब में चैनल्स बेसिकली किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यू नीड अ गूगल अकाउंट फॉर स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल, क्योंकि आपका जो गूगल अकाउंट है ये एक ऐसा ओवरऑल अकाउंट होता है जिसकी हेल्प से हम गूगल के लगभग सारे टूल्स को एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन साइन इन टू गूगल, आफ्टर दैट यू कैन साइन इन टू योर जीमेल अकाउंट, यू कैन साइन इन टू योर गूगल एनालिटिक्स, यू कैन साइन इन टू यूट्यूब चैनल्स, ठीक है। तो सेम अकाउंट से आप गूगल के लगभग सारे के सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो हैं ऑनलाइन, उन सबको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही है, आपको गूगल अकाउंट क्रिएट करना है, एंड आफ्टर क्रिएटिंग दैट गूगल अकाउंट यू कैन साइन इन टू योर यूट्यूब चैनल, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको रोक के हैंड्स ऑन में चलते हैं और मैं आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि किस तरह से बेसिकली हम लोग चैनल्स पे वर्क करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब हम YouTube हमें एक्सेस करना है, तो YouTube एक्सेस करने के दो मेथड आपके पास हैं। पहला मेथड तो ये है कि आप अपने Google अकाउंट को लॉगिन कर लीजिए, जैसे कि इस ब्राउजर पे आपको दिख रहा होगा। जैसे ही मैंने ब्राउजर ओपन किया, यहाँ पे मेरी पिक आपको दिख रही है, दैट मीन्स कि मैंने इस गूगल क्रोम पे लॉगिन किया हुआ है विद माई गूगल अकाउंट, ठीक है। तो वही सेम गूगल अकाउंट है जिसके थ्रू आप जीमेल को एक्सेस करते हैं, सेम अकाउंट की हेल्प से आप क्रोम को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हमें यूट्यूब को ओपन करना है, तो हमारे पास ऑप्शन है कि आप यहाँ क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ सेकंड नंबर, सेकंड रो में ऑप्शन आ रहा है यूट्यूब का। तो यहाँ से हम यूट्यूब को ओपन कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली youtube.com वेबसाइट पे लॉग इन कर सकते हैं। डायरेक्टली आप youtube.com को एड्रेस बार पे लिखिए और आपकी यूट्यूब की जो वेबसाइट है वो आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। दोनों ही मेथड से आप यहाँ से ओपन करेंगे तो भी ये ओपन होता है, और या फिर हम यहाँ से ओपन करते हैं यूट्यूब पे क्लिक करके, तो भी हम अच्छा YouTube को ओपन कर सकते हैं। तो दीज आर टू मेथड फ्रॉम वेयर वी कैन एक्सेस आवर YouTube अकाउंट। अगर आपने अकाउंट गूगल अकाउंट में लॉग इन नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट जब हम यहाँ पे आपका ये अकाउंट लॉग इन करते हैं, तो यहाँ से इस इमेज पे, यहाँ पे जैसे मेरी इमेज अभी आ रही है, तो अगर आपने अकाउंट में लॉग इन नहीं किया है तो यहाँ पे इमेज नहीं आएगी, तो यहाँ पे लॉग इन का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आप फिर से लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन मैंने लॉग इन किया हुआ है, दैट्स वाई मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है और आई एम लॉग इन टू यूट्यूब चैनल, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो वीडियोस दिखाई देते हैं, ये वो वीडियोस हैं जो रेगुलरली हम लोग चेकआउट करते हैं, तो उन वीडियोस को बेसिकली आपका यूट्यूब जो है समझता है कि आपने इन वीडियोस को चेक किया है, तो रेगुलरली उन वीडियोस को ये टॉप ऑर्डर में आपको दिखाता रहता है, ठीक है। तो अभी हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, यूट्यूब हमें यहाँ पे सर्चिंग नहीं करनी है कि कौन सा हमें आपका जो वीडियो है वो चेकआउट करना है। हम बेसिकली बात करते हैं चैनल्स की, कि आपको अपना एक चैनल यहाँ पे क्रिएट करना है, यानी कि अपने अपने वीडियोस आप अपलोड करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि उन वीडियोस के थ्रू आप अपनी मार्केटिंग करें। आप बहुत अच्छे सिंगर हैं तो आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो अपने वीडियोस आप अपलोड कर सकते हैं अपने चैनल के अंदर, आप बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स आप बनाते हैं तो उनको आप चेकआउट कर सकते हैं, या फिर जो भी आपका कोई बिजनेस है उससे रिलेटेड कोई वीडियो आपको पोस्ट करना है, तो बेसिकली डायरेक्टली वीडियो पोस्ट ना करके आप अपना एक चैनल बना लीजिए और उस चैनल में अपने सारे के सारे वीडियोज आप पोस्ट कीजिए, तो ज्यादा बेटर तरीके से आप अपने बिजनेस की या खुद की मार्केटिंग कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम वन बाय वन स्टेप चेकआउट करते हैं कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे चैनल्स को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए आइकन पे जहाँ पे ये फोटो लगी हुई आ रही है, जैसे ही आप लॉग इन कर लेंगे तो यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ आएगा, या फिर आपने अपने फोटो अगर अपलोड कर रखे तो वो फोटो यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए पहला ही ऑप्शन आ रहा है योर चैनल, ठीक है। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, एंड आफ्टर दैट क्लिकिंग इन दिस पर्टिकुलर लिंक यू विल ओपन अ न्यू पेज दैट इज फॉर योर चैनल, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो चैनल है उसमें आप ही का जो आपने नाम अपने अकाउंट में दे रखा है वो नाम बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ आता है। आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास हैं। पहला ऑप्शन ये है, ये जो बैकग्राउंड में पिक्स आपको दिखाई दे रही है ये आपके चैनल की पिक है, बैकग्राउंड पिक है, इसको बेसिकली कवर फोटो भी बोलते हैं। तो ये कवर फोटो आप चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मैंने अपने बेटे की पिक यहाँ पे लगाई हुई है, तो आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप चेंज कर लीजिए पिक्स को।
अब इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही मैंने उस लिंक पे क्लिक किया, यहाँ पे चैनल कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आ गया, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने चैनल को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मेरी यहाँ पे पिक आ रही है, तो आप इसको चेंज करना चाहें, इसको चेंज करके यहाँ से आप दूसरी पिक भी अपलोड कर सकते हैं, और उसकी पिक का साइज जो होगा वो 98x98 pixels का होना चाहिए, यानी कि एक स्क्वायर फोटो होनी चाहिए, और उसका साइज जो है वो 4 MB से लेस होना चाहिए। मैं चेंज करके इसको रिमूव करता हूँ, चेंज कर लेते हैं, कोई और पिक्चर यहाँ पे हम लोग अपलोड कर लेते हैं। ये पिक्चर हमारी चेंज हो गई, ठीक है। बैनर चेंज करना है, तो बैनर का साइज भी यहाँ पे लिखा हुआ है 2048x1152 pixels। कल मैंने आपको बताया था कि चैनल मुझे बैठा इफ वी वॉन्ट टू चेंज दी बैनर इमेज, तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम लोग बैनर इमेजेस को चेंज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ऑप्शन यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी जो बैनर का साइज है वो 2048x1152 pixels का होना चाहिए, और उसका साइज जो है वो 6 MB से छोटा होना चाहिए, 6 MB के बराबर होना चाहिए। तो यू कैन चेंज द इमेज बाय क्लिकिंग ऑन दिस चेंज बटन, यहाँ से आप बैनर इमेज को चेंज कर सकते हैं, मर्जी है आपकी, मैं अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ इसको। या फिर आप जो कोई वीडियो अपलोड करेंगे, तो आपने देखा होगा बहुत बार किसी पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर आपको अलग अलग तरह के वाटर मार्क दिखाई देते हैं। वाटर मार्क मतलब एक ऐसा मार्क जो बहुत लाइट शेड में होगा, ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स के साथ, ट्रांसपेरेंट ना कहें उसको, ट्रांसलूसेंट कहें तो ज्यादा बेटर है, ट्रांसलूसेंट पिक्सल्स के साथ आपको वो वाटर मार्क वगैरह दिखाई देता है वीडियो के ऊपर। तो वो कोई आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन से वीडियो वाटर मार्क की हेल्प से 150x150 pixel का कोई वाटर मार्क बना के आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो वाटर मार्क होते हैं वो जनरली PNG या फिर GIF फॉर्मेट के होते हैं, तो PNG और GIF जो है ये आपका ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करता है, दैट्स वाई वी यूज दीज टू टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्मेट इन दी वाटरमार्क फॉर्मेट। तो आप इन तीन ऑप्शन से अपने पिक्चर, बैनर इमेज और वीडियो वाटरमार्क को चेंज आउट कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आपको इसे पब्लिश करना होगा, पब्लिश करने पे जो चेंजेस आपने करे हैं वो अप्लाई हो जाएंगे। अगर मैं कैंसिल करूंगा तो फिर जो मैंने अभी ये पिक्चर अपलोड करी है, ये पिक्चर आपको अप्लाई होके नहीं दिखेगी, ठीक है। तो बेसिकली मैंने अभी इसे कैंसिल ही करना है, मैं कैंसिल कर देता हूँ। बेसिक इन्फो, नाम वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह आप चेंज करना चाहें तो यहाँ चैनल का नेम आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे चैनल का नेम मैं चेंज कर देता हूँ, माई वीडियो चैनल। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, वीडियो यार गजड़ बजड़ी है वो तो ना उसमें प्रिंट और इसको पब्लिश कर देते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो हमने ये चेंजेस करे हैं, वो चैनल आपके, देखिए ये नाम आपका यहाँ पे लिखा हुआ आने लग गया। तो बेसिकली ब्रांडिंग है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, लेआउटिंग वगैरह को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये लेआउटेड आपको चेंजेस होके तब दिखाई देगी जब आप कोई वीडियो वगैरह अपलोड करेंगे। तो अभी हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक चैनल है, मैंने व्यू चैनल पे क्लिक किया है, देखिए ये चैनल हम यहाँ पे आ गए हैं। अभी तक मेरा नाम लिखा हुआ आ रहा था, अब इसमें माई वीडियो चैनल लिखा हुआ आ रहा है जो हमने चेंज किया है, ठीक है। अब क्योंकि ये मेरा पुराना चैनल है, इस वजह से इसमें 53 सब्सक्राइबर्स भी दिख रहे हैं। सब्सक्राइबर्स आर दोज पर्सन्स हु वुड लाइक टू चेक योर वीडियो ऑन रेगुलर बेसिस। अगर कोई आपके चैनल को सब्सक्राइब करता है, दैट मीन्स कि जो वीडियो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे या कोई चेंजेस अपने चैनल में आप करते हैं, तो उसकी नोटिफिकेशन उन सब्सक्राइबर्स के पास रेगुलरली पहुंचती रहती है, ठीक है। तो ये ज्यादा बेटर है कि आप लोग आपको सब्सक्राइब करें, क्योंकि YouTube इसको रिकॉग्नाइज करता है, और बहुत सारी फैसिलिटीज ऐसी हैं यहाँ पे जो आपके कुछ नंबर ऑफ सब्सक्राइबर होने के बाद ही अप्लाई आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने YouTube चैनल से पैसा कमाना है, आप चाहते हैं कि लोग आपके चैनल्स को देख रहे हैं तो उसका पैसा YouTube आपको दे, तो इसके लिए आपके पास 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, उसके बाद ही वो ऑप्शन आपका हाईलाइट होता है, इसको मोनेटाइजेशन बोलते हैं। तो मोनेटाइजेशन अप्लाई करने के लिए यू नीड 1000 सब्सक्राइबर। तो पहले ऐसा नहीं था, 100 सब्सक्राइबर्स के बाद ही मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता था, लेकिन अब यूट्यूब ने अपनी पॉलिसी चेंज करी है, तो 1000 सब्सक्राइबर अगर आपके पास होते हैं तो ऑटोमेटिकली दैट मोनेटाइजेशन ऑप्शन विल बी हाईलाइटेड एंड यू कैन अप्लाई दैट मोनेटाइजेशन ऑप्शन इन योर यूट्यूब चैनल। अभी हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो अभी सबसे पहला काम हमारा ये है कि चैनल हमारा लाइव है, अब इस चैनल में हमें वीडियोस अपलोड करना है और वीडियोस में फॉर्मेटिंग करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वीडियोस अपलोड करने के लिए देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है,
यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इसमें दो ऑप्शन लिखे हुए हैं, अपलोड वीडियो इन गो लाइव। जब हम वीडियो की बात करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है कि जो पहले से आपने कुछ वीडियोस शूट आउट किए हुए हैं उन वीडियोस को आपको अपने चैनल में अपलोड करना है, या फिर आप चाहते हैं कि अभी मेरा कोई इवेंट चल रहा है और उसकी मैं लाइव शूटिंग करूं और उस लाइव शूटिंग को मैं यूट्यूब पे पोस्ट कर दूं ताकि लोग जो हैं वो मेरे पोस्ट से जुड़े और लाइवली मेरे उस कार्यक्रम को या उस इवेंट को चेकआउट कर पाएं। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास है, वन बाय वन दोनों देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अपलोड वीडियो, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, मेन ऑप्शन यही है दो। इसके बाद जो सेटिंग्स करनी है वो इन अपलोडेड वीडियो या फिर लाइव सेटिंग के दौरान ही आपको करनी होती है, ठीक है। तो अपलोड वीडियो पे क्लिक करते हैं हम लोग। बस ध्यान रखिएगा कि वीडियोस वगैरह अपलोड आपको करना है तो आपका इंटरनेट कनेक्शन शुड बी क्वाइट बेटर सो दैट देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन इन अपलोडिंग द वीडियो। तो डायरेक्टली आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं, किसी भी साइज का अपलोड कर सकते हैं, कोई एज सच कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है जब तक कि आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन अपलोड वीडियो करने में ये पैराड ओपन होता है और इसमें ये पूछ रहा है कि आपको कौन सी फाइल अपलोड करनी है। अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जब आप फाइल्स को अपलोड करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूं, कि हमारे पास ये कुछ फॉर्मेट्स हैं। आपको पीपीटी दिखाई दे रही है सबको? हेलो, इज द पीपीटी विजिबल? यस सर। ओके, तो बेसिकली दीज आर सम ऑफ दी वीडियो फॉर्मेट लाइक MOV, MPG4, MP4, AVI, WMV, MPEG5, FLV, 3GP, WebM, DNX, HR, ProRes, Cineform, HEVC और इसके अलावा एक FLV फॉर्मेट भी होता है जो लिखा हुआ है इसमें, FLV फॉर्मेट। तो दीज आर सम ऑफ दी फॉर्मेट दैट आर एक्सेप्टेड इन योर YouTube वीडियो। तो आप YouTube में जब वीडियो अपलोड करेंगे तो बेसिकली इन फॉर्मेट्स का होना जरूरी है, इनमें से कोई फॉर्मेट होगा तो वो अपलोड होगा। अगर इसके अलावा कोई और फॉर्मेट, जैसे एक DAT फॉर्मेट आता है हमारे पास वीडियो के लिए, ठीक है, तो उस फॉर्मेट को ये सपोर्ट नहीं करेगा। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जो वीडियो शूट आपने करा हुआ है उसका फॉर्मेट चेक करना है, उसका एक्सटेंशन चेक करना है, और अगर वो इन फॉर्मेट से नहीं मेल खाता है तो फिर आपको सबसे पहला काम ये करना होगा कि उन वीडियोज को कन्वर्ट करना होगा आपको इन फॉर्मेट्स में। इनमें से किसी भी, आपके पास देर आर नंबर ऑफ वेबसाइट्स अवेलेबल ऑनलाइन फॉर कन्वर्जन वन वीडियो टू अनदर फॉर्मेट, एंड देर आर नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर ऑल्सो अवेलेबल फॉर योर डेस्कटॉप और लैपटॉप दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग योर वीडियो फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट। तो उन वीडियो, उन सॉफ्टवेयर को या उन वेबसाइट को यूज करके आप अपने, और आज की डेट में तो आपके पास मोबाइल में या फिर आपके पास जो कैमरेज हैं जिनके थ्रू आप रिकॉर्डिंग करते हैं उनमें भी ये ऑप्शन अवेलेबल हैं कि दे सपोर्ट नंबर ऑफ वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट। तो आपको जिसमें भी सेव करना है उसके अकॉर्डिंग आप सेटिंग उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो इन फॉर्मेट्स को आप ध्यान से यहाँ पे देखिए, जनरली जो हम लोग यूज करते हैं MP4, AVI या MOV को यूज करते हैं और FLV को यूज करते हैं। इन फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग आज की डेट में लगभग हर एक कैमरा, हर एक मोबाइल इनको सपोर्ट करता है। तो इन फॉर्मेट्स को यूज करके आप वीडियो को शूट कीजिए और उसके बाद हम लोग जाएंगे अपलोड करने में। फिर से आते हैं चैनल में, अपलोड वीडियो में, और यहाँ से फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं, इनको मैं अपलोड कर लेता हूँ। लाइक ये एक वीडियो है, ओपन कर लेते हैं इसको। अब ये अपलोड होना शुरू हो रहा है, यहाँ पे अपलोडिंग का ऑप्शन आ रहा है देखिए लिखा हुआ, और यहाँ पे ये पूछ रहा है कुछ रिक्वायरमेंट, जैसे आपकी जो आपके फाइल का नाम होगा ऑटोमेटिकली वो टाइटल्स में यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। यू कैन चेंज द टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन, ये बहुत जरूरी है कि आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन दें, क्योंकि आपका ये वीडियो जो है ये सर्चिंग में तभी आएगा यूट्यूब में जब इस टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपका वीडियो होगा। आपने वीडियो दिया है, सपोज कोई ट्यूटोरियल दिया है आपने कंप्यूटर साइंस का, और आपने यहाँ पे डिटेल्स में लिखा है ज्योग्राफी ट्यूटोरियल, तो डेफिनेटली अगर कोई ज्योग्राफी सर्च करेगा तो आपका वो वीडियो उसे दिखाई देगा, नॉट फॉर CS ट्यूटोरियल, ठीक है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो वीडियो आप अपलोड करेंगे, सेम फॉर सेम वीडियो यू नीड टू ऐड द टाइटल फॉर द सेम कैटेगरी एंड फॉर डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर लेता हूँ, ये मेरे बेटे का वीडियो है एक्चुअली सिंगिंग का, उसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसका नाम आराध्य तिवारी है। तो मैं यहाँ पे आराध्य तिवारी सिंगिंग होली इसका डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ।
जितना ज्यादा आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देंगे उतना ज्यादा बेटर चांसेस होंगे आपके यूट्यूब के सर्चिंग में आने के, आपके इस वीडियो के सर्चिंग में आने के, ठीक है। तो बेसिकली 5000 वर्ड्स आर अवेलेबल फॉर एडिंग योर डिस्क्रिप्शन, तो आप एंटर करके जितने मर्जी उतना डाल सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं यहाँ पे। हिंदी में कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम गूगल ट्रांसलेटर में चले जाते हैं और यहाँ पे ये मैंने हिंदी में लिख दिया है, इसको कॉपी कर रहा हूं और आपका जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है इसमें मैंने हिंदी में लिख दिया, ताकि कोई अगर हिंदी में सर्च करे तो वो सर्चिंग में भी हमारा ये वीडियो आ जाए, ठीक है। तो ऐसे ही मल्टीपल ऑप्शंस आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है जितना ज्यादा आप लिखना चाहें उतना ज्यादा बेटर तरीके से आप लिख पाएंगे, ठीक। तो ये हमारा अपलोड हो गया, डिटेल्स हमने लिख ली है, डिस्क्रिप्शन हमने लिख लिया है। कोई थंबनेल आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं, आपने देखा होगा कि जब आप वीडियो प्ले करते हैं तो वीडियो में अगर कोई वीडियो प्ले नहीं हो रहा है तो उसका एक पर्टिकुलर पिक्चर वहां पे दिखाई देती है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कोई थंबनेल अपलोड करना होगा। मैं एक थंबनेल अपलोड कर देता हूँ, ये अपलोड कर देंगे यहाँ पे, ये थंबनेल आ गया, ठीक है। और ज्यादा बेटर तो ये रहता है कि जो आपका वीडियो है उसी का कोई थंबनेल आप अपलोड करें। बहुत बार आपने देखा होगा कि जब कोई वीडियो को आप सर्च करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो वीडियो आपको दिखाई देता है विदाउट प्लेइंग तो उसमें पिक्चर कुछ और दिखाई देती है, जब उसे प्ले करने लगते हैं तो अंदर कुछ मैटर और होता है, ठीक है। तो वो एक तरह का मिस अंडरस्टैंडिंग वहां पे होती है और फिर उसके बाद आप उस चैनल को कभी यूज नहीं करेंगे जिस हिसाब से आप उसको चेक कर रहे होते हैं। तो ज्यादा बेटर ये रहता है कि जो वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं उसी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसके रिलेटेड ही आप इमेजेस भी यहाँ पे अपलोड करें। नेक्स्ट जो ऑप्शन यहाँ पर है कि ये जो वीडियो है, देखिए ऑटोमेटिकली ये बताता है यहाँ पे कि जो वीडियो है ये आपने बच्चों के लिए बनाया है या बड़ों के लिए बनाया है, ये आपको यहाँ पे चेक करना है। इसमें डिफरेंस क्या है, इफ यू क्लिक ऑन यस इट इज मेड फॉर किड्स, अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं तो क्या होगा, अब आप इसमें कमेंट्स नहीं एड ऑन कर पाएंगे। जब आप देखते होंगे जब आप यूट्यूब में वीडियो देखते हैं तो नीचे उसमें कमेंट सेक्शन भी होता है कि आप YouTube उस वीडियो से रिलेटेड कमेंट्स वहां पे लिख पाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर गूगल ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि अगर आपका जो वीडियो है वो फॉर किड्स है, यानी कि 12 साल से छोटे बच्चों का है, या फिर उसमें कोई एक्टर ऐसा है जो 12 साल से छोटा है, या फिर आपने वो वीडियो ही 12 साल से छोटे बच्चों के लिए बनाया है, ठीक है, फॉर किड्स बनाया है, तो बेसिकली वहां पे कमेंट सेक्शन हाईलाइट नहीं कर सकते आप, यानी कि उसमें कमेंटिंग नहीं कर सकते, तो कमेंट उसमें से ऑफ रहता है सेक्शन, ठीक। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं इट इज नॉट मेड फॉर किड्स पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके कमेंट सेक्शन हाईलाइट रहेगा, फिर आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप कमेंट्स को हाईलाइट करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन फॉर किड्स में डेफिनेटली आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, वो ऑटोमेटिकली आपका सेक्शन हाईलाइट नहीं होगा, ठीक है। आप चाहें तो इसमें एज रिस्ट्रिक्शन खुद भी अप्लाई कर सकते हैं कि 18 साल से बड़े लोगों के लिए है या 18 साल से छोटे लोगों के लिए है, ठीक। इतना आप इसमें सेटिंग अगर आपने कर ली है, डिटेल्स हमने ऐड कर दी, सारे चेक्स अप्लाई कर दिए, देखिए ऑटोमेटिकली इसमें थंबनेल भी वीडियोस से आ गई हैं, तो इनको आप चूज कर सकते हैं या फिर जो आपने थंबनेल ऐड करी है वो आप चूज कर सकते हैं, मर्जी है आपकी, आप किस तरह से करना चाहते हैं, ठीक। इसके बाद आप इसको नेक्स्ट प्रोसेस में अप्लाई करेंगे इतना काम करने के बाद। मेरे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर एक इश्यू आता है कॉपीराइट का। ये तब आता है जब आपने वीडियो किसी दूसरे का यूज किया होगा। अब ये वाला वीडियो तो मैंने खुद ही शूट किया है तो इसमें देखिए लिखा हुआ आ रहा है नो इश्यू फाउंड, लेकिन अगर आपने कोई दूसरा वीडियो किसी दूसरे का वीडियो चुरा के आप यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉपीराइट का इश्यू आएगा और यूट्यूब आपको इसको पोस्ट नहीं करने देगा, यानी कि आपसे परमिशन वो मांगेगा कि आपके पास इसका कॉपीराइट एक्ट है या नहीं है, आप उसको अप्लाई करेंगे तभी ये पब्लिश करने देगा, वरना नहीं करने देगा। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है सेव और पब्लिश, ये प्राइवेट है, अनलिस्टेड है या पब्लिक है। प्राइवेट का मतलब है ओनली यू एंड पीपल हु कैन चूज हु यू चूज कैन वॉच योर वीडियो। दैट मीन्स कि अगर मैंने इसको प्राइवेट पे क्लिक किया है, दैट मीन्स कि अब जिन लोगों को मैं चाहूंगा वही लोग इसको चेक कर पाएंगे, बाकी लोग इसको चेक नहीं कर पाएंगे। अनलिस्ट अगर करेंगे तो एनी वन विद द वीडियो लिंक कैन वॉच योर वीडियो, दैट मीन्स कि ये यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में एक वीडियो का लिंक हमें दिखाई दे रहा है,
इस वीडियो लिंक को मैं जिस जिसको शेयर करूंगा सब लोग इस वीडियो को विजिट कर पाएंगे अनलिस्टेड में। प्राइवेट में तो मुझे लोगों को चूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने प्राइवेट चूज किया और यहाँ पे शेयर प्राइवेटली में क्लिक करके मैंने गोपाल सर का नाम यहाँ पे चूज किया है, तो सिर्फ गोपाल सर ही इसको चेक कर पाएंगे, इसके अलावा कोई और इसको चेक नहीं कर पाएगा। अनलिस्टेड में क्या होगा कि मैं लिंक शेयर करूंगा तो जिन जिन के पास ये लिंक जाएगा उस लिंक पे क्लिक करके ही आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। यूट्यूब में ये विजिट आपको नहीं दिखाई देगा। पब्लिक करेंगे तो एवरीवन कैन वॉच दिस वीडियो ऑटोमेटिकली, और गूगल की सर्चिंग में भी ये वीडियो आपका आ जाता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। ठीक है, शेड्यूल करेंगे तो ये पूछेगा आपसे कि भाई एक पर्टिकुलर डेट बता दीजिए जिसके बाद आप वीडियो को पब्लिक करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं इसको शेड्यूल ना करूं, जैसे ही मैं पब्लिश करूंगा ऑटोमेटिकली दिस वीडियो इज अवेलेबल द यूट्यूब फॉर एवरीवन। ठीक है, लेकिन अगर मैं शेड्यूल कर दूं तो एक पर्टिकुलर डेट मैंने यहां पे सेलेक्ट करनी है, तो उसके बाद ये पब्लिकली शेयरिंग में आएगा, उससे पहले ये पब्लिक शेयरिंग में नहीं आएगा। इतने ऑप्शन आपको यहां पे सेलेक्ट करने हैं और पब्लिश कर देना है। नाउ दिस वीडियो इज पब्लिशिंग फॉर इंटरनेट यूजर। ठीक है, देखिए वीडियो इज पब्लिश्ड लिखा हुआ आ रहा है, पब्लिश 9 नवंबर 2021, और इसका जो टाइटल है वो ये है। आप इसके लिंक को शेयर करना चाहते हैं अपने व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ट्विटर में, जहां पे भी शेयर करना चाहते हैं आप इसको शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली यू हैव टू शेयर द वीडियो लिंक फॉर गेटिंग मोस्ट मोर यूजर, क्योंकि इस वीडियो के बारे में आपको लोगों को बताना पड़ेगा, और लोगों को बताने के लिए आपको इस वीडियो के लिंक को शेयर करना होगा। ठीक है, तो शेयर करने के लिए मैंने बहुत सारे ऑप्शंस आपको बता रखे थे। लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि हम फेसबुक में, ट्विटर में और आपका जो लिंक्डइन है उसमें कैसे लिंक को शेयर करते हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको लिंक को कॉपी कर लीजिए और अपनी फ्रेंड लिस्ट में भी सबको शेयर कर दीजिए, मर्जी है आपकी आप कैसे शेयर करना चाहते हैं। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया और इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे चैनल कंटेंट में एक सिंगल वीडियो हमें दिखाई दे रहा है। मैं अगर इसको क्लिक करूं, ये रहा, ये बेसिकली मेरे ख्याल आपको प्लेइंग दिख रही होगी, इसकी आवाज सुनाई दे रही होगी। तो बेसिकली इस तरह से हम वीडियोस को यहां पे शेयर कर सकते हैं। आपको कोई कंटेंट इसका चेंज करना है तो वीडियो पे क्लिक करके वीडियो डिटेल के अंदर फिर से वही ऑप्शन आपको सारे दिखाई देते हैं, इन सब में आप चेंजेस कर सकते हैं फिर से। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा कंसेप्ट था। जब वीडियो आपका शेयर हो जाता है तो इसके बाद हमारे पास कुछ और ऑप्शन यहाँ पे रहते हैं। जैसे हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे देखिए, डिटेल्स तो ये दिखाई दे रही है, जो हमने अभी चेंजेस करे थे वो सारे के सारे डिटेल्स में यहाँ पे आ जाएगा। सेकेंड वन इज एनालिटिक। एनालिटिक में क्या होता है कि आपका वीडियो कब शेयर हुआ है, उसमें कितने व्यूज हैं, कितने लोगों ने उस वीडियो को देखा है, कितना उसका वॉच टाइम है, कितने आपके वीडियो के सब्सक्राइबर हैं, वो सब आपको यहाँ पे एनालिटिक में दिखाई देते हैं। जैसे हमने कल देखा था हमारे पास फेसबुक में ऑप्शन था इनसाइट का, ऐसे ही इनसाइट का ऑप्शन यहाँ पर है विद द नेम एनालिटिक, इसको बोलते हैं। बेसिकली ये रिलेटेड होता है गूगल एनालिटिक से। अभी चेकआउट करेंगे हम लोग गूगल एनालिटिक कैसे काम करता है। तो बेसिकली इस वीडियो के सारा एनालिसिस आप यहाँ पे कर सकते हैं कि आपका वीडियो के व्यूज कितने हैं। व्यूज यहाँ पे अभी जीरो हैं, जीरो इसलिए हैं क्योंकि अभी हमने जस्ट पब्लिश ही कर रखा है इसको, किसी ने देखा नहीं है इस वीडियो को। व्यूज के बाद ये आपको बताता है कि कितने ड्यूरेशन तक इस वीडियो को चेक किया गया है, दैट मींस वॉच टाइम ये आपको बताएगा इन आवर्स, और उसके बाद आपको ये बताएगा कि आपके कितने सब्सक्राइबर बेसिकली आपके इस वीडियो के हैं। ठीक है, और डेट वाइज भी आपको ये डिटेल में बताता है। आप इसको और डिटेल में देखना चाहें तो सी मोर पे मैंने क्लिक किया तो और डिटेल में ये भी आपको बताएगा कि ट्रैफिक का सोर्स क्या है, ये वीडियो के सब्सक्राइबर वगैरह हैं। ट्रैफिक का सोर्स मतलब जो इस वीडियो को चेक करने के लिए आए हैं वो कहाँ से आए हैं। ट्रैफिक सोर्स आपका प्राइमरी है या सेकेंडरी है। प्राइमरी ट्रैफिक सोर्स क्या होता है कि डायरेक्टली आप यूट्यूब पे गए और यूट्यूब पे ही आपने सर्च किया उस वीडियो को और आपको वीडियो मिल गया, तो ये प्राइमरी सोर्स हो गया। सेकेंडरी सोर्स क्या हुआ कि आपका आपको इस यूट्यूब वीडियो का लिंक जो है वो फेसबुक पे मिला या किसी दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट पे मिला और आपने वहां से क्लिक करके यूट्यूब पे डायरेक्टली आप आए हैं। ठीक है, तो ये सेकेंडरी मीडिया सोर्स है। तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन दिखाई देंगे कि आपका जो ट्रैफिक सोर्स है वो कहाँ से है, डायरेक्टली यूजर ने सर्च किया। इसको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी बोलते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब डायरेक्ट सोर्स होता है, इनऑर्गेनिक का मतलब सेकेंडरी सोर्स होता है। यहाँ पर आपको सारा सोर्स दिखाई देगा। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का मतलब ये है कि आपका जो व्यू है ये कहाँ से है, किस लोकेशन से बेसिकली इसको चेक किया गया है, ये यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। जो व्यू कर रहे हैं उनकी एज क्या है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा।
उनका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। किस डेट पे विजिट किया गया है और किस डेट पे कितना व्यूज इसका हुआ है वो यहाँ दिखाई देगा। देन वी हैव सब्सक्रिप्शन स्टेटस कि जो आपके व्यूज हैं, जितने लोगों ने आपके इस वीडियो को देखा है उन्होंने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सब्सक्रिप्शन का सोर्स क्या है, कहाँ किस लोकेशन से वो सब्सक्राइब किया गया है वो यहाँ दिखाई देगा। देन वी हैव अ डिवाइस टाइप, डिवाइस टाइप का मतलब है कि आपके वीडियो को फोन से सर्च किया जा रहा है, कौन से फोन से सर्च किया जा रहा है, उस फोन का नाम क्या है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, एंड्रॉयड है एप्पल है क्या है, वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा। एंड देन वी हैव दीज ऑल टाइप ऑफ एनालिटिक्स दैट इज अवेलेबल इन योर एनालिटिक्स सेक्शन। ठीक है, इनको आप तब ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे जब इस वीडियो के व्यूज आपको मिलने लगेंगे। और इसमें कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप कुछ ये जो वीडियो हमारा बना है अभी हमने अपलोड किया है, इसके जो आपका लिंक है उसको कॉपी कीजिए और अपने कुछ फ्रेंड्स को भेजिए, वो फ्रेंड्स आपके उस लिंक को विजिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका एनालिटिक जो है आपके इस पेज में आने लगेगा। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द ऑप्शन दैट आर अवेलेबल इन योर चैनल। और इन एनालिटिक्स को चेक करने के बाद हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा वीडियो किस तरह से वर्क कर रहा है, वीडियो को कुछ और इन्हांसमेंट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये पता लगा कि आपका वीडियो जो है वो मोबाइल में ज्यादा विजिट किया जा रहा है इन कंपेरिजन टू डेस्कटॉप और लैपटॉप, तो अब आप जब नए वीडियोज क्रिएट करेंगे और इस वीडियो को अगर आप अपडेट करते हैं तो यू कैन थिंक टू चेक दी वीडियो इन योर मोबाइल ओनली। ठीक है, तो मोबाइल में ज्यादा बेटर तरीके से आप उसको क्रिएट करने की कोशिश कीजिए कि मोबाइल व्यूअर्स के लिए वो ज्यादा बेटर एक विजुलाइजेशन इफेक्ट दे। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप व्यूअर एज को यहाँ पे चेक करेंगे तो इससे आपको पता लग जाएगा कि किस एज ग्रुप के लोग आपके वीडियो को ज्यादा देख रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब आप वीडियो बनाएंगे तो उस एज ग्रुप का आप ज्यादा ध्यान रखेंगे, उससे रिलेटेड कंटेंट को आप ज्यादा वीडियो में एड ऑन करेंगे। जेंडर आप चेक कर सकते हैं कि इसको मेल्स ज्यादा देख रहे हैं या फीमेल्स ज्यादा देख रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने कंटेंट को यहाँ पे सेट आउट कर सकते हैं। सब्सक्राइबर से आपको पता लग जाएगा कि आपके कंटेंट के सब्सक्राइबर किस रेंज के हैं, किस एज के हैं, किस जेंडर के हैं, तो ज्यादा बेटर तरीके से एनालिटिक्स को एनालिटिक्स का फायदा तभी है जब आप इसको प्रॉपर एनालाइज करें, वरना सिर्फ देखने के लिए ये नहीं होता है। इसका काम सिर्फ इतना नहीं है कि आप इसको विजिट करें रोज और एक बार देख लें कि कितने वीडियो आपके लाइक्स आ रहे हैं या कितने आपके वीडियो को देखा जा रहा है। इसका फायदा तब है जब आप इसको चेक करने के बाद इसको एनालाइज करें और उसके अकॉर्डिंग अपने कंटेंट में चेंज करें, अपने वीडियो में चेंज करें, तो ज्यादा बेटर तरीके से आप अपने वीडियो को शेयर कर पाएंगे और मैनेज कर पाएंगे। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर यूट्यूब मैनेजमेंट टेक्निक। क्लियर? हेलो, ये बातें समझ में आई सबके? ठीक है, अब यहाँ पे आपके कुछ टीचर्स भी एड ऑन हैं तो मैं क्लास तो नहीं बोल पाऊंगा इसमें, तो दिस इज नॉट अ क्लास बेसिकली। तो आपके पास थर्ड ऑप्शन इज एडिटर। इस एडिटर पे क्लिक करके जो वीडियो हमने अपलोड किया है उसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, बहुत माइनर चेंजेस यहाँ पे हो पाते हैं, बहुत ज्यादा हाई लेवल का ये एडिटर नहीं है। जैसे आप इसमें कुछ ऑडियो कम या ज्यादा कर सकते हैं, कुछ इफेक्ट्स ब्लर आपको करने हैं यानी कि धुंधले करने हैं तो वो आप यहाँ से कर पाएंगे। ठीक है, और कुछ स्क्रीन्स आपको ऐड करनी है। स्क्रीन्स का मतलब है कि आपने जैसे ये वीडियो अपलोड किया है तो इसमें आपको टॉप में आप चाहते हैं कि आपका नाम भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए आप यहाँ पे ये तीन तरह के ऑप्शंस आपके पास हैं, इनकी हेल्प से आप ये काम कर सकते हैं। वीडियो को छोटा करना चाहें तो यहाँ से ट्रिमिंग वगैरह सब कुछ आप कर सकते हैं। बहुत ज्यादा ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है वीडियो एडिटर के। अगर आपको बहुत ज्यादा ऑप्शन चाहिए तो फिर आपको कुछ जैसे एडोबी प्रीमियर टाइप की जो सॉफ्टवेयर आते हैं उन सॉफ्टवेयर को यूज करके वीडियो में एडिटिंग करनी होगी। तो दिस इज द बेसिकली द यूट्यूब स्टूडियो जिसकी हेल्प से हम वीडियो को मैनेज कर सकते हैं, राइट? अगर आपने अपने वीडियो में कमेंट्स ऑन कर रखे हैं तो वो सारे कमेंट्स आपको इस सेक्शन में यहाँ पे दिखाई देंगे। देखिए, फोर्थ नंबर पे ऑप्शन है कमेंट्स का। जो भी कमेंट आपके इस वीडियो से रिलेटेड होंगे, इस वीडियो में होंगे लोगों के द्वारा दिए हुए, तो वो सारे कमेंट्स आपको इस सेक्शन में दिखाई देंगे। लेकिन अभी के लिए आपको पता है क्योंकि ये हमने एज रिस्ट्रिक्शन इस वीडियो में अप्लाई कर रखा है, तो द कमेंट सेक्शन इज नॉट हाईलाइटेड फॉर द यूजर, देर विल बी नो कमेंट अवेलेबल फॉर दिस वीडियो। तो यहाँ पर आपको ब्लैंक स्क्रीन ही रेगुलरली दिखाई देगी। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से हम लोग अपने यूट्यूब चैनल को मेंटेन कर सकते हैं, उसमें वीडियोज को ऐड कर सकते हैं। एंड दिस वीडियो इज बेसिकली योर दैट इज प्रीवियसली क्रिएटेड और प्रीवियसली शूटेड विद द हेल्प ऑफ अ कैमरा। तो वी हैव टू अपलोड दिस वीडियो इन दिस यूट्यूब चैनल। ठीक है,
इसमें सेकंड ऑप्शन ये है कि आप इसमें लाइव भी परफॉर्म कर सकते हैं, दैट मीन्स कि आप लाइव वीडियो अगर इसमें अपलोड करना चाहें तो वो काम भी हम यहाँ पे कर पाएंगे। इसके लिए फिर से आपको इस बटन पे क्लिक करना होगा क्रिएट, और पहला ऑप्शन हमने अभी अप्लाई करके देखा कि अपलोड वीडियो की हेल्प से हम लोग कैसे डेटा को अपलोड करते हैं। सेकेंड ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है गो लाइव, दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ दिस बटन वी कैन गो लाइव इन यूट्यूब और लाइव वीडियो आप शूट करके उसको अपलोड कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए एक न्यू स्क्रीन यहाँ पे ओपन हुई है और ये आपसे कह रहा है कि दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, पहला वाला है राइट नाउ और सेकंड वन इज लेटर डेट। ठीक है, तो राइट नाउ का मतलब ये है कि अभी जो आप शूट करेंगे वो ऑटोमेटिकली लाइव हो जाएगा और आपके यूजर जो आपके इस चैनल से जुड़ते जाएंगे वो उस लाइव स्ट्रीमिंग को देख पाएंगे। सेकंड वन इज लेटर डेट, इसका मतलब ये है कि आप अभी शूट तो लाइव करेंगे लेकिन वो स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे, यानी कि यूजर अभी उसको चेकआउट नहीं कर पाएंगे। एक बार आप लाइव उसको शूट कर लीजिए, उसके बाद आप उसको कुछ चेंजेस उसमें करना चाहते हैं तो आप चेंज कर पाएंगे, और उसके बाद आप जब चाहें तब उसे ऑन लेटर डेट उसको स्ट्रीम कर पाएंगे। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। अभी राइट नाउ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ इसे। अब ये कह रहा है कि आप जब इसको लाइव करेंगे तो जो बिल्ट इन वेबकैम आपके मोबाइल में है या फिर आपके लैपटॉप में है, जैसे अभी मैं लैपटॉप पे हूँ तो लैपटॉप में जो वेबकैम लगा हुआ है उसके थ्रू आप शूटिंग करना चाहते हैं, या फिर कोई स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल है जिसकी हेल्प से आप वीडियो को एड ऑन करके, फॉर एग्जाम्पल लाइव शूटिंग चल रही है और मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी का लोगो भी टॉप में लिखा हुआ है और नीचे से कोई स्ट्रीमिंग, जैसे आपके जो लाइव क्रिकेट की स्ट्रीमिंग होती है तो उसमें क्या होता है नीचे लाइव स्कोर भी लिखा हुआ आता है, वो रेगुलरली अपडेट होता रहता है, तो आप चाहते हैं ऐसा कुछ हो तो वो हम पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की हेल्प से कर पाते हैं। तो आपके पास अगर इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर है तो सेकंड वाला ऑप्शन आप चूज करेंगे, अगर डायरेक्टली वेबकैम से आपसे शूटिंग करनी है तो पहले वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। मैं अभी पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए अब ये पूछ रहा है कि भाई इसकी डिटेल्स दे दीजिए, क्या क्या डिटेल है, इसकी टाइटल क्या है। माई फर्स्ट ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, डिस्क्रिप्शन पर लिख लेते हैं हम, हेलो यूजर चेक माय लाइव स्ट्रीम। नेक्स्ट, फिर ये वही ऑप्शन पूछ रहा है, यस इट्स मेड फॉर किड और इट इज नॉट मेड फॉर किड, तो हम पूछ नो कर देते हैं इसे अभी ताकि लोग कमेंट भी कर पाए इसमें। नेक्स्ट एनीवन, आप चाहते हैं सिर्फ सब्सक्राइबर जो होंगे उन्हीं को दिखे या सबको दिखे, तो एनीवन कर देते हैं अभी। ठीक है, स्लो मोड कर लेंगे, स्लो मोड आप तब करेंगे जब आपका जो इंटरनेट स्पीड है वो स्लो होगी, अगर इंटरनेट स्पीड ठीक है तो फिर इसको स्लो करने की जरूरत नहीं है, तो अभी मैं स्लो कर देता हूँ इसको। नेक्स्ट, पब्लिकली हमको अवेलेबल करना है, और शेड्यूल ये कह रहा है कि भाई अभी 9 आज की डेट और 11:45 से हमें शेड्यूल करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी टाइम पे शेड्यूल कर लेते हैं। डन, नाउ इट इज क्रिएटिंग स्ट्रीम, गो लाइव। देखिए ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा ये, और इसमें सारे ऑप्शन नीचे लिखे हुए आ रहे हैं, आपसे कह रहा है कि अब आपको लाइव जाना है या नहीं जाना है, तो आई हैव टू गो लाइव। देखिए बेसिकली मेरे वेबकैम से दिख रहा है तो मैं ही दिखूंगा इसमें आपको, तो लाइव स्ट्रीमिंग ये होने लगी, दिख रहा है ना सबको? हेलो, यस सर, दिख रहा है सर, यस सर। देखिए यहाँ पे लाइव का बटन आ रहा है और 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड, दैट मींस टाइमिंग स्टार्ट हो गई है और लाइविंग ये सेशन जो है ये चलना स्टार्ट हो गया है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, दिस यूट्यूब स्टूडियो, यू कैन गो लाइव, और लाइव जाने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कुछ नुकसान ये होते हैं कि आप इसमें लाइव जब जाते हैं तो आप रेगुलरली इसमें एडिटिंग नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा एडिटिंग आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि जब आप लाइव जा रहे हैं तो आप घर पे ना बैठे हों, एक पर्टिकुलर आपके पास एक स्पेस हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको परेशान करने वाले लोग ना हों अगल बगल, ताकि जब आपके जो वीडियो जो यूजर्स चेकआउट कर रहे हैं उनके पास कोई गलत मैसेज ना चले जाए। ठीक है, तो बेसिकली ये वो ऑप्शन है जिसकी हेल्प से हम लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। ठीक, आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ अभी। दिस इज आवर ऑप्शन फॉर चैनल कस्टमाइजेशन,
और चैनल में इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं. वी हैव टू ऑप्शन जो हमने अभी चेक करें कि हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे, पहले से रेडीमेड वीडियो जो आपके पास है उनको अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप लाइव भी सेटिंग करके अपने वीडियोस को यहाँ पे पोस्ट आउट कर सकते हैं. जनरली लाइव आज की डेट में लोग यूज करते हैं जब आपको अपने ट्यूटोरियल्स वगैरह या फिर आप कोचिंग क्लासेस वगैरह अगर पढ़ रहे हैं या फिर लाइव क्लास के थ्रू आपको किसी को ट्रेनिंग देनी है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस लाइव ऑप्शन यू कैन ट्रेन, यू कैन गिव योर ट्रेनिंग टू योर स्टूडेंट्स और योर पार्टिसिपेंट्स. एंड जैसे आप अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं ये जूम यूज कर रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग के लिए, तो आप इसको यूट्यूब की हेल्प से भी हम ये काम कर सकते थे. और देयर आर मैनी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल इन द मार्केट लाइक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, उसकी हेल्प से भी हम ये काम करते हैं. ठीक है, लेकिन जो हमारे टीम्स है या फिर ये जो जूम है इसमें सिर्फ वही पार्टिसिपेंट एड ऑन हो सकते हैं जिनको हमने लिंक शेयर कर रखा है या फिर जिनको हमने रिकॉग्नाइज कर रखा है कि वो हमारे इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर हम यूट्यूब की बात करें तो और पब्लिकली हम लोग उसको ओपन कर रहे हैं, तो देयर आर अभी मैंने आपको बताया था कि 2.3 बिलियन यूजर्स हैं जो आपके यूट्यूब में अभी रजिस्टर्ड हैं. तो इतने सारे यूजर्स अगर कनेक्ट करना चाहते हैं आपके उस पर्टिकुलर वीडियो चैनल से एट द टाइम यू आर लाइव, तो वो कनेक्ट कर सकते हैं, आसानी से उसको चेकआउट कर सकते हैं. दैट मीन्स कि आपके पास जो क्लाइंटेज है आपका वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है. माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हैं, जूम्स हैं, जूम है और आपका ये जो गूगल मीट है, इसमें इतने ज्यादा व्यूअर्स के लिए ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है. अगर है भी तो वो बहुत ज्यादा फिर कॉस्टली होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, जबकि यूट्यूब में ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है. आप उसको आसानी से हैंडल आउट कर सकते हैं, यूट्यूब हैंडल खुद कर लेता है. ठीक है, तो YouTube को यूज करने का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है. आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ आई एम स्विचिंग टू माय पीपीटी. तो ये सब कुछ हम देख चुके हैं कि किस तरह से हम लोग टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल वगैरह एड ऑन करते हैं और फिर आप YouTube को पब्लिश करते हैं. आई थिंक दिस ऑल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एंड यू ऑल्सो नो दैट YouTube एक्सेप्ट दीज वीडियो फॉर्मेट, अभी हमने डिस्कस किया था. Now, when you have to manage your YouTube channel, there are many options you have after creating your YouTube channel and uploading your video. You have to manage that video and you have to pass on that link of that particular video to your fans, to your subscriber, to your colleagues, to your participant. ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे हमारे पास options हैं जो हम apply कर सकते हैं. Like first of all is promotion. आपको अपने channel को promote करना है. प्रमोट करने के लिए सबसे अच्छा मीडियम है सोशल मीडिया पेजेस. ठीक है, जो हमने कल देखे थे कि फेसबुक में हम लोग पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं और लिंक्डइन है आपके पास ट्विटर है, व्हाट्सएप है आपके पास, तो इन सारे सोशल मीडिया पे आपको अपने कंटेंट को प्रमोट करना है, उसको इंगेज करना है ताकि आपकी जो लीड्स हैं, जो आपके सेल्स वगैरह हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में सेल्स आपको इंक्रीज करनी है, तो इसके लिए डेफिनेटली आपको प्रमोशन करना होता है. बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ पे वीडियो के प्रमोशन भी करते हैं. तो पहला और फॉरमोस्ट जो एक्ट आपको करना है अपने यूट्यूब चैनल को मैनेज करने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए, वो है प्रमोशन. ठीक है, और प्रमोशन का सबसे बढ़िया मीडियम मैंने आपको बता दिया है, वो है आपका सोशल मीडिया प्रमोशन. ठीक, और ये हम लास्ट लेक्चर में चेकआउट कर सकते हैं. इसके अलावा एक और ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, वो है इंगेजमेंट. इंगेजमेंट के बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं. लाइक आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल आज हमारा ये ट्यूटोरियल क्लास चल रही है और कल हमने इस क्लास को लाइव करना है, लोगों को दिखाना है, तो मैं एक दिन पहले से ही उसकी छोटी छोटी क्लिप्स बना के यूट्यूब चैनल में पोस्ट कर सकता हूँ उसको प्रमोट करने के लिए. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो आपकी ये कार लॉन्च होती हैं तो उसके लिए एक साल पहले से ही बेसिकली वो क्या करते हैं, छोटी छोटी क्लिप्स बना के उनको शेयर करते रहते हैं. कभी उसका साइड व्यू दिखाएंगे, कभी उसका मिरर व्यू दिखाते हैं, कभी उसका इनर व्यू दिखाते हैं, कभी उसकी सेफ्टीज के फीचर्स के बारे में बात करते हैं. तो वो पूरी कार को लॉन्च जब करते हैं उससे एक साल पहले या डेढ़ साल पहले से ही उसकी लॉन्चिंग की सारी जो कोशिशें होती हैं वो उनकी शुरू हो जाती है ताकि एक हाइप बन पाए उस पर्टिकुलर लॉन्चिंग के डेट पे. वैसे ही आपको अपने वीडियो के लिए भी हाइप क्रिएट करना है, तो फॉर दैट यू हैव टू इंगेज योर ऑडियंस रेगुलरली. ठीक है, रेगुलरली इंगेज करने के लिए सबसे पहला मेथड तो यही है कि आप छोटी छोटी वीडियो क्लिप बनाइए और उसको अपने चैनल पर अपलोड करते रहिए. सेकेंडली आपके पास ये ऑप्शन है
कि आप क्वेश्चनार क्रिएट कर सकते हैं, आप पोल क्रिएट कर सकते हैं और उस क्वेश्चनार को आप उस पोलिंग मैकेनिज्म को आप यूजर्स को पोस्ट कर सकते हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग आप अपने यूट्यूब से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो यूजर्स से ले पाएं और उसके अकॉर्डिंग आप अपने यूजर्स को इंगेज करें। इंगेज करने का सिंपल सा कंसेप्ट यह है कि आपने अपने कंसेप्ट को अपने वीडियो को प्रमोट करना है तो उसके लिए यूजर्स को उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे इलेक्शन जब होते हैं तो आपके जो नेता लोग हैं वो अपने को प्रमोट करने के लिए घर घर जाके वोट मांगते हैं और बताते हैं कि भाई मैं इस इलाके से, इस एरिया से एक पर्टिकुलर इस पोस्ट के लिए खड़ा हो रहा हूँ तो आप मुझे वोट कीजिए। आप ये सोचिए कि अगर वो अपना प्रमोशन नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि कौन कौन हमारे पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर विधानसभा से या लोकसभा से या मेयर के चुनाव में कौन कौन हमारे एरिया से खड़ा हुआ है उस इलेक्शन को लड़ने के लिए, और जब हमें पता ही नहीं होगा तो हम वोट किसको देंगे फिर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर भी आपको यही करना है कि अपने चैनल के बारे में, अपने वीडियो के बारे में लोगों को बताना है। उस बताने के लिए बहुत सारे मेथड्स आपके पास अवेलेबल हैं, उन सारे मेथड्स को यूज करते हुए आप अपने YouTube चैनल को प्रमोट कर सकते हैं। तो बेसिकली दीज आर टू ऑफ द मेन कंसेप्ट, प्रमोशन एंड एंगेजिंग फॉर मैनेजिंग योर यूट्यूब चैनल। आई थिंक दिस इज ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा उसको आगे बढ़ाते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वो बेसिकली आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग से ही रिलेटेड है। जो रेगुलरली हम लोग विजिट करते जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग से ही रिलेटेड है और वो है आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO। और मेरे ख्याल से इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक आपने पहले भी पढ़े हैं। लास्ट जो आपका डे था उस डे में भी मैं देख रहा था कि एक दो सेशन आपके इस टॉपिक से रिलेटेड हुए हैं। मैं उन टॉपिक पे दोबारा से नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको एक दो टूल्स यहाँ पे बताना चाहता हूँ जिसकी हेल्प से आपने जो वेबसाइट्स वगैरह बनाई हैं उन वेबसाइट की आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं या उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन जिसमें आप लोग चेक कर पाएंगे। पहले तो ये बात कि हम सर्च इंजन ऑटोमेशन करें क्यों। मैंने कल भी आपसे ये डिस्कस किया था कि अगर हम कोई, जैसे अभी हमने ये यूट्यूब चैनल बनाया, अब यूट्यूब चैनल बनाने के बाद आपको लोगों को बताना है कि मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको अपने यूट्यूब चैनल के लिंक को शेयर करना होगा। लेकिन फिर वही बात है, हम कितने लोगों तक शेयर कर पाएंगे, 1,000 लोग, 2,000 लोग, 5,000 लोग, 10,000 लोग, इससे तो नहीं कर सकते, इवन इतना भी नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम 1,000 लोग तो बहुत ज्यादा हैं जिनको हम शेयर कर पाएं इन्फॉर्मेशन, इतनी ज्यादा तो आज की डेट में हमारे लिंक में भी नहीं रहते लोग कि जिनको हम इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाएं। और लिंक पे अगर लोग नहीं होंगे, आप इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे, वो ओपन करके उसे देखेंगे ही नहीं किसी भी हालत में। ठीक है, इतने सारे लिंक हमारे पास रोज व्हाट्सएप वगैरह पे आते रहते हैं, हम कितने लिंक ओपन करके देखते हैं, हमारे पास जीमेल पे लिंक्स आते हैं, हम कितने लिंक ओपन करते हैं, उन्हीं लोगों के लिंक्स या फिर उन शेयरिंग को हम ओपन करते हैं या देखते हैं जिनसे हमें पर्सनल कुछ अटैचमेंट होता है। तो इतने सारे लोगों को डेफिनेटली आप नहीं फोर्स कर सकते कि वो आपके यूट्यूब चैनल को देखें या वीडियो को देखें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने यूट्यूब चैनल में आपने कुछ इस तरह के कीवर्ड्स आपने ऐड करने होंगे जिसकी हेल्प से लोग आपके यूट्यूब को वीडियो को सर्च कर पाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी जो चैनल बनाया उसमें मैंने एक सिंगिंग का वीडियो डाला, होली सिंगिंग का वीडियो डाला, यूट्यूब में अगर कोई होली सर्च करे तो मेरा वो वीडियो हाईलाइट हो जाए। दैट मींस कि आई हैव टू इंक्लूड दैट होली वर्ड इन माय वीडियो डिस्क्रिप्शन और वीडियो टाइटल। आपके पास जो वीडियो का टाइटल है उसका जो डिस्क्रिप्शन मोड है वहां पर आपको उन कीवर्ड्स को एड ऑन करना होगा। जब आप उन कीवर्ड्स को ऐड करेंगे और उससे रिलेटेड सर्च आपका यूजर करता है यूट्यूब पे या फिर गूगल पे, तो फिर वो डाटा जो है वो सर्चिंग में आ जाता है। दैट मींस कि आपका वो वीडियो जो है या फिर आपका जो चैनल है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड है, SEO उस पे हमने कर रखा है। SEO करने का मतलब है कि वो सर्च इंजन में विजिबल होगा। ठीक है, ये मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ रही होगी आपको। बिल्कुल ऐसे ही वेबसाइट के केसेस में भी होता है। जब आप कोई वेबसाइट डिजाइन करते हैं और उसका उसको आप सर्वर पे इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, उस वेबसाइट को सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करना होता है। दैट मींस कि वो वेबसाइट आपके सर्च इंजन में भी दिखनी चाहिए। इसलिए दिखनी चाहिए क्योंकि उस वेबसाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर हम लोगों तक पहुंचा, वेबसाइट का मतलब क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट को लोगों को दिखाना चाहते हैं। अभी हमने चैनल बनाया उसका मतलब क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट को खुद को लोगों को दिखाएंगे। कोई भी YouTube चैनल, मैं सिर्फ अपने लिए YouTube चैनल नहीं बनाऊंगा कि आज मैंने वीडियो अपलोड कर दिया और मैं फिर दो पूरे साल भर तक उस वीडियो को खुद ही देखता रहा हूँ, खुद ही उससे खुश होता रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, आपको यूजर्स को दिखाना है, लोगों तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाना है। तो इसीलिए वेबसाइट भी बनाई जाती है और इसीलिए यूट्यूब चैनल्स वगैरह भी क्रिएट किए जाते हैं।
इसीलिए हम बिजनेस पेजेस वगैरह भी बनाते हैं। तो लोगों तक पहुंचाने के लिए आपके पास जो बेस्ट मीडियम है वो है सर्च इंजन। सर्च इंजन आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके प्रोडक्ट को, आपके डेटा को लोगों तक पहुंचाता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड। जैसे ये गूगल मेरे सामने अभी खुला हुआ है और मैं यहां पे अगर लिखूं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, तो देखिए सबसे पहले उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट यहाँ पे आ गई। ठीक है, मुझे नहीं पता कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी वेबसाइट का क्या नाम है, लेकिन जैसे ही मैंने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी लिखा तो ऑटोमेटिकली ये वर्ड जिन जिन वेबसाइट्स में होगा, जहां जहां पे होगा उन सारी जगहों पे, देखिए facebook.com, शिक्षा.com, collegedunia.com, collegedunia.com, यानी कि जहां जहां ये वर्ड या फिर इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी गूगल सर्च मुझे करके दे देगा। ठीक है, तो मुझे इस नाम को uou.ac.in को याद करने की जरूरत नहीं है, मैं गूगल सर्च पे जाऊंगा और मुझे अपने रिलेटेड डाटा जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट, जो आप वेबसाइट बना रहे हैं या जो आपने यूट्यूब का कंटेंट अभी बनाया है, यूट्यूब चैनल आपने बनाया है, वो आपका यहाँ पे आना चाहिए सर्च इंजन में, और वो तभी आएगा जब वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड होगा। इफ दैट कंटेंट इज नॉट ऑप्टिमाइज्ड फॉर सर्च इंजन, देन दिस सर्च इंजन और एनी सर्च इंजन, देर आर मेनी सर्च इंजन अवेलेबल इन द मार्केट, लाइक गूगल सर्च है, आपके पास बिंग है, आप याहू से सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, आपके पास गॉफर है, आपके पास रेडिफ है, बहुत सारे आपके पास सर्च इंजन अवेलेबल हैं। गूगल इज द मेन मार्केट शेयर, इट इज अराउंड 95% ऑफ मार्केट इज शेयर्ड बाय गूगल इन सर्च इंजन कैटेगरी। तो बेसिकली आपको अपने इन कंटेंट्स को ऐसा बनाना होता है जो सर्च इंजन फ्रेंडली हो। तो ऐसा करने के लिए हमें करना होता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब कैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करें, इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, वो टेक्निक्स मैंने यहाँ पे आपको अभी नहीं बतानी है। अब मैं आपको सिर्फ एक चीज बताने जा रहा हूं यहाँ पे, वो ये कि अगर आपकी वेबसाइट सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड है तो आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी वो वेबसाइट कितनी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड है। जैसे मैं अभी इस वेबसाइट को ओपन करूं, ये UOU की वेबसाइट हमारी ओपन हो गई है, ये ओपन होकर दिख रही है हमें। तो अब मैं ये चेक करना चाहता हूं कि ये वेबसाइट कितनी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स अवेलेबल हैं। मैं गूगल में सर्च कर रहा हूं, अब देखिए मुझे SEO टूल्स का नाम भी याद नहीं है, तो मैं गूगल पे सर्च कर सकता हूं SEO टूल्स, ये आ गया। SEO चेकर सर्च करते हैं, जो SEO को चेक कर ले, SEOAbility.net, SEOSiteCheckup.com, NeilPatel.com, SEO Optimer.com, तो ये वो स्मॉल SEO टूल्स, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, साइट चेकर, सैमरश, पावर मैपर, ये वो फ्री वेबसाइट टूल्स हैं जो अवेलेबल हैं आपके लिए कि आप अपनी वेबसाइट बनाइए और उन वेबसाइट को फिर चेक कीजिए कि वो SEO फ्रेंडली है या नहीं है। ये आपको ये भी बता देगा कि आपको SEO फ्रेंडली अगर वेबसाइट नहीं है तो आपको क्या करना है अपनी वेबसाइट को SEO फ्रेंडली बनाने के लिए। मैं इसमें से जो सबसे ज्यादा यूज होती है उसको क्लिक करता हूँ, SEO साइट चेकअप, और इसमें ओके तो पैसे मांग रहा है, एक और वेबसाइट चेक कर लेते हैं। यह है फ्री SEO चेकर, ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ अपनी वेबसाइट का नाम डालना है, तो मैंने डाला है uou.ac.in और एनालाइज करते हैं इसको। देखिए uou.ac.in SEO चेकर, ये पूरा का पूरा रिजल्ट इसने बना के आपको दे दिया। तो ये कह रहा है कि इस वेबसाइट का जो SEO स्कोर है वो 45% है, दैट मींस कि दिस वेबसाइट इज 45% ऑप्टिमाइज्ड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और ये बहुत बढ़िया स्कोर है। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट का स्कोर बिलो 20% चला जाता है तो फिर आपको अपनी वेबसाइट को रीस्ट्रक्चर करना होगा अकॉर्डिंग टू SEO। ठीक है, तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे ये कह रहा है कि भाई आपको अगर SEO बढ़ाना है तो आप अपनी वेबसाइट में H1 टैग को ऐड कर लीजिए, आप इसमें इंटरनल लिंक बना लीजिए, इसमें 301 रीडायरेक्ट कुछ फॉर्म्स होते हैं, URLs होते हैं, उनको आपको देना है, यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड कर देना है, आपको कुछ आपके पास मार्कअप की एरर्स यहाँ पर हैं उनको आपको ठीक करना है, और वन बाय वन यह सारी चीजें बता रहा है। जैसे टाइटल ये कह रहा है आपकी वेबसाइट में है, बहुत बढ़िया, साफ साफ लिखा हुआ है उसने कि टाइटल है, मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं है, दैट मीन्स कि आपको मेटा ऐड करना है। क्रॉयबिलिटी देर आर नो प्रॉब्लम, क्रॉयबिलिटी का मतलब होता है हर एक पेज को एक्सेस करना वेबसाइट की,
कह रहा कोई एरर नहीं है, बहुत बढ़िया है। कैनोनिकल यूआरएल, कैनोनिकल यूआरएल का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट में सेम यूआरएल पे दो अलग अलग पेजेस तो अवेलेबल नहीं है, अगर ऐसा है तो आपकी वेबसाइट को बैड एसईओ कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो ये कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज अ वैलिड कैनोनिकल लिंक स्पेसिफाइड और सिंगल पेज ही से ओपन हो रहा है, ठीक है। लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी है, इंग्लिश है, यूनाइटेड सर्वर लोकेशन इसका मतलब हमारी जो वेबसाइट है यूओयू की, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए में लोकेटेड है, यानी कि इनका जो सर्वर है वो वहां पे है। अल्टरनेट लिंक के यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हैं, नो रिलेवेंस नेक्स्ट मेटा टैग यहाँ पे अवेलेबल है, ये बहुत अच्छी बात है, जिसमें ये ग्रीन कलर के टिक बने हुए आ रहे हैं, दैट मीन्स दीज आर दी गुड कैटेगरी ऑप्शंस अवेलेबल फॉर योर एसईओ, ठीक। तो ये सारे ऑप्शन आप चेकआउट कर सकते हैं, और यहाँ पे जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हैं, जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे ये कह रहा है कि मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, हमारी वेबसाइट जो है ये मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज तो है लेकिन एप्पल का आइकन इसमें अवेलेबल नहीं है, तो ये कह रहा है कि भाई इसको ठीक करो। दूसरा 71 जावास्क्रिप्ट फाइल है, इसका मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होंगी उतना ज्यादा आपका जो पेज है वो डाउनलोड होने में ज्यादा टाइम लगाएगा, यानी कि आपकी वेबसाइट हैवी है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई इसको ठीक करो। तो इन ऑप्शंस को आप चेक करके अपनी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली बना सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसकी हेल्प से हम अपनी वेबसाइट बनाने के बाद उसको चेक करें, और चेक करने के बाद अकॉर्डिंग टू दीज सजेशन अपनी वेबसाइट के स्कोर को और ज्यादा इंप्रूव करें। इफ योर वेबसाइट स्कोर टचेस टू 70% मोर देन 70%, देन इट विल बी अ गुड एसईओ फंक्शन अवेलेबिलिटी इन योर वेबसाइट। दैट मीन कि अगर आपकी वेबसाइट का स्कोर 70 या 70 से ऊपर चला जाता है तो आपकी वेबसाइट जो है वो बहुत अच्छी एसईओ फ्रेंडली है, और उसके चांसेस गूगल सर्च इंजन में आने के बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इन ऑप्शंस को आप चेकआउट करके आप ये सारे की सारी चीजें देख सकते हैं इसमें। लेकिन इस चीज का ध्यान आपको रखना है कि ये बातें सिर्फ उन्हीं को समझ में आएंगी जिनको HTML, CSS और JavaScript जैसी लैंग्वेज आती है। अगर आपको ये लैंग्वेजेस नहीं आती हैं तो फिर इनमें जो कंटेंट लिखा हुआ है ये आपकी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितना भी ये पूरा वर्कशॉप हो रहा है, ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही लोग हैं, तो HTML जैसी लैंग्वेज तो लगभग सभी को आज की डेट में आती ही है, हर एक को ये पता है कि कैसे HTML पे काम करना है। छोटा सा एक सबमिशन है सर। हाँ सर। सर इसमें जो लोग हैं बेसिकली इसमें स्टूडेंट्स भी हैं और टीचर्स भी हैं, और एक कह सकते हैं ये मल्टी डिसिप्लिनरी स्किल ओरिएंटेड प्रोग्राम हम कर रहे हैं ना सर। ओके ओके ओके। इसमें इसमें कंप्यूटर्स के लोग भी हैं और सोशल साइंसेस के लोग भी हैं। उन लोगों के लिए भी ये टूल बहुत अच्छा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है कि आप अपनी वेबसाइट खुद नहीं बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपनी वेबसाइट लोगों को देते हैं बनाने के लिए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो डेवलपर है वो इतना ज्यादा, क्योंकि आप इतने ज्यादा टेक्निकल हैं नहीं, तो वो जो डेवलपर है जो आपकी वेबसाइट को डेवलप कर रहा है वो आपको बहुत ज्यादा पैसों के लिए घुमाने की कोशिश करता है। घुमाने की कोशिश इन द सेंस कि वो आपसे बहुत ज्यादा टेक्निकल होने की कोशिश करता है कि भाई नहीं इसमें यहाँ प्रॉब्लम है वहां प्रॉब्लम है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपने अपनी वेबसाइट बनाई है उसको खुद चेक कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको ये बातें नीचे समझ में नहीं आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो स्कोर यहाँ दिख रहा है ये तो आप चेक कर सकते हैं। SEO स्कोर 45%, तो ये आपको ये देखते ही समझ में आ जाएगा कि आपके वेबसाइट का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हुआ है या नहीं है। हो सकता है कि आपका जो डेवलपर है वो आपसे कहे कि मैंने ऑप्टिमाइज कर दिया है, और लेकिन उसने ऑप्टिमाइज नहीं किया। अब आपको तो पता लगेगा नहीं कि उसने ऑप्टिमाइज किया या नहीं किया, और आपसे उसने पैसे ले लिए उस बात के, ठीक है। तो आप इस तरह के टूल्स को यूज करते हुए, आप भले ही आपको इसकी नॉलेज नहीं है कि इसमें नीचे क्या लिख रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस चीज की नॉलेज तो है कि ये जो एसईओ स्कोर इतना बड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है इसको आप चेक कर सकते हैं। तो कम से कम इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने डेवलपर को समझाइए, भाई देखो यहाँ तो एसईओ स्कोर नहीं दिख रहा है, ये एसईओ स्कोर मुझे अच्छा चाहिए, ठीक है। यस सर, यस सर। डेफिनेटली ये इस तरह के जो टूल्स होते हैं ये हेल्पफुल रहते हैं हर एक उस बंदे के लिए जो आज की डेट में वेबसाइट से जुड़ा हुआ है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जिसको वेबसाइट के बारे में पता नहीं है। डेफिनेटली आपको नहीं पता है कि उसको डेवलप कैसे करना है, लेकिन यूज तो सभी करते हैं। कहीं ना कहीं आपको भी जरूरत पड़ती है कि भाई आप अपना एक पर्सनल पेज बनाएं, अपनी एक पर्सनल वेबसाइट बनाएं, तो उसके लिए भी आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करा सकते हैं, क्योंकि आपने पैसा दे रखा है तो आपको ये जानने का पूरा हक है कि आपकी वेबसाइट का ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपर तरीके से किया गया है या नहीं किया गया है। तो इन टूल्स को यूज करके आप ये सब कुछ चेक कर सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ दिस टूल यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट योर पेज इज बेटर ऑप्टिमाइज फॉर सर्च इंजन और नॉट,
ठीक है। ऐसे ही एक टूल हमारे पास अवेलेबल है जिसको हम लोग गूगल एनालिटिक बोलते हैं। जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइज पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होगा कि जो आपकी वेबसाइट है, अब आप ये चेक करना चाहते हैं कि जो आपका बिजनेस वेबसाइट है, जो आपकी पर्सनल वेबसाइट है, इसको कितने लोग देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम से देख रहे हैं, मोबाइल से चेक कर रहे हैं या कहाँ से चेक कर रहे हैं, इन सब के लिए हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं गूगल एनालिटिक। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए गूगल एनालिटिक, मैंने गूगल पे सर्च किया तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है analytics.google.com। तो इसके लिए भी हमारे पास जो गूगल का आपके पास लॉगिन है वो होना चाहिए, आप गूगल के लॉगिन से ही इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे गूगल पे लॉगिन कर रखा है क्रोम पे, तो ऑटोमेटिकली इफ आई ओपन दिस पेज इट विल ऑटोमेटिकली गो टू माई डैशबोर्ड। ठीक है, मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पे। ये गूगल एनालिटिक ओपन हो गया है। बाय डिफॉल्ट डैशबोर्ड ऐसा नहीं दिखाई देता है, यहाँ पे ऐसा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स को एड ऑन किया हुआ है। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपको दिखाया कि अगर हम उस वेबसाइट के एडमिन नहीं भी हैं तो भी हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया यूओयू की वेबसाइट किसने बनाई है, कैसे बनाई है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन उसके बाद भी मैंने यूओयू की वेबसाइट का एसईओ चेक कर लिया। ठीक है, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और उसके लिए आपको उस वेबसाइट का एडमिन होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम एनालिटिक्स की बात करते हैं तो इसके लिए आपको उसका एडमिन होना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि आपके पास कौन कौन सी वेबसाइट है, उसके अंदर कोड क्या कर रखा है, वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप एनालिटिक्स को यूज कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप एनालिटिक्स में आते हैं, सबसे पहला काम ये होता है कि आपको अपनी वेबसाइट को यहाँ पे ऐड करना है। तो वेबसाइट ऐड करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, अभी ओपन हो जाएगा। देखिए ये आया ऑप्शन, यहाँ पे जब हम डैशबोर्ड में हैं तो यहाँ बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे एडमिन का ऑप्शन है, इस एडमिन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आता है क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन। ठीक है, तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर ये पूछता है कि आपको कौन कौन सी वेबसाइट एड ऑन करनी है। तो जब हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट ऐड करेंगे, तो अभी मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ही हम यहाँ पे वेबसाइट ऐड करेंगे अपनी, तो ये एनालिटिक क्या करता है, आपको एक छोटा सा 4 लाइन का कोड देता है और वो कोड होता है जावास्क्रिप्ट का। वो कोड इसलिए दिया जाता है ताकि पहला काम तो ये कि गूगल को ये पता करना है कि आप अपनी वेबसाइट के एडमिनिस्ट्रेटर हैं या नहीं है, आप किसी और वेबसाइट को अपने एडमिन में एड ऑन नहीं कर सकते, उसका एनालिटिक आप चेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको खुद की वेबसाइट का ही यहाँ पे एडमिन होना पड़ेगा और उसकी वेबसाइट, अपनी वेबसाइट को ही यहाँ पे ऐड करना होगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे वेबसाइट ऐड करेंगे, गूगल आपको एक कोड देगा और आपसे कहेगा कि आप अपनी वेबसाइट के हर एक पेज में इस कोड को ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप उस कोड को ऐड करेंगे अपनी वेबसाइट में, योर एनालिटिक्स विल बी रेडी और आप अपनी वेबसाइट का एडमिन यहाँ पे चेकआउट कर पाएंगे। बस इतना सा काम है, आपको इस पेज में अपने वेबसाइट को ऐड करना है। वेबसाइट को ऐड करने के लिए गूगल आपको कोड देगा और उस कोड को आपको अपनी वेबसाइट में ऐड कर देना है, बस हो गया। कि अपनी पेज में कहीं पे भी आप उसको ऐड कर सकते हैं, जनरली हम लोग उसको फुटर में ऐड करते हैं, आप हेडर फुटर जहां मर्जी आपकी वहां पे गूगल के एनालिटिक कोड आप ऐड कर पाएंगे। ठीक है, एक छोटा सा कोड है जावास्क्रिप्ट का, आप ऐड करते ही आपके एनालिटिक्स आपको दिखने लगेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको, अभी फिर से होम पे आते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास वेबसाइट्स अवेलेबल हैं उनमें से कोई एक वेबसाइट मैं चूज कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वेबसाइट अवेलेबल है teamfreelancers.com। ठीक है,
तो इस वेबसाइट, वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट हैं, इसमें से इस वाली कोई ले लेते हैं अभी, teamfreelancers.com जो वेबसाइट है, इसमें यहाँ पे आपको इसका डेटा दिखाई दे रहा है कि अभी मैक्सिमम यूजर इसके 24 हैं, 25 सेशंस इसमें बने हुए हैं, बाउंस रेट 76% है। बाउंस रेट का मतलब है कि गलती से किसी ने आपकी वेबसाइट को ओपन कर लिया, उसके बाद वो तुरंत उसको बंद कर देता है, तो इसको बाउंसिंग बोलते हैं। 21 सेकेंड के लिए जनरली लोगों ने इसको देखा है, अभी एक्टिव यूजर यहाँ पे 0 है, यानी कि इस समय आप किसी ने भी इस वेबसाइट को ओपन नहीं कर रखा है। मैं दिखाता हूँ आपको, इसी वेबसाइट को मैं ओपन कर लेता हूँ, teamfreelancers.com, ये ओपन हो गई। फिर से एनालिटिक्स पे आते हैं, देखिए जैसे ही वो वेबसाइट ओपन होती है तो ऑटोमेटिकली आपके जो एक्टिव यूजर है यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये देखिए एक्टिव यूजर, देखिए राइट नाउ यहाँ पे लिखा हुआ है वन वन, इसलिए क्योंकि मैंने इस वेबसाइट को ओपन कर लिया है, तो एक यूजर यहाँ पे ऑटोमेटिकली एड ऑन हो गया। तो ये लाइव भी आपको दिखाता है कि आपकी वेबसाइट में कितने एक्टिव यूजर्स हैं। यहाँ पे आते हैं रियल टाइम में ओवरव्यू, अभी इसमें एक यूजर अवेलेबल है, एक यूजर कहाँ से अवेलेबल है इसको देखना है आपको, तो इसके लिए हम लोकेशन पे जाएंगे। ये ओवरव्यू है इसका कि जितनी देर हम इस वेबसाइट पे विजिट करते रहेंगे उतनी देर तक ये यहाँ पे दिखाता रहेगा कि एक यूजर एक्टिव है। लोकेशन देखते हैं, ये देखिए इंडिया लोकेशन इसकी आ रही है कि इंडिया से इस वेबसाइट को ओपन किया गया है। ट्रैफिक सोर्स यहाँ पे डायरेक्ट है, डायरेक्ट का मतलब है कि मैंने teamfreelancers.com को डायरेक्टली आपके ब्राउजर में लिखा है और उसको ओपन किया है। अगर ये लिंक कहीं फेसबुक से मैंने क्लिक किया होता या व्हाट्सएप से क्लिक करके ओपन किया होता या फिर यूट्यूब पे क्लिक करके ओपन किया होता तो ये इनऑर्गेनिक आता, यहाँ पे डायरेक्ट लिंक ये नहीं आता, ठीक है। और उसका नाम भी लिखा हुआ था कि सोर्स कहाँ से है, फेसबुक से ओपन कर रखा है, तो अब मुझे इसमें देख के ये समझ में आ जाएगा कि भाई मेरी वेबसाइट को किसी ने फेसबुक से भी ओपन कर रखा है, दैट मींस कि फेसबुक पे जो मैंने मार्केटिंग कर रखी है उसका बेनिफिट मुझे मिल रहा है। एनालिटिक्स का काम यही है कि आप इसको चेक करके ये चेक कर पाते हैं यहाँ पे कि आपको कहाँ कहाँ से कितना बेटर बेनिफिट चीजों का हो रहा है। कंटेंट, कंटेंट का मतलब यह है कि कौन से पेज को आपका ओपन किया गया है, यहाँ पर अभी स्लैश लिखा हुआ है, इसका मतलब जो इंडेक्स पेज है उसको यहाँ पे ओपन कर रखा है। मैं कुछ और पेज पे चले जाता हूँ, सपोज मैंने अबाउट अस पे क्लिक किया, अब देखते हैं, देखिए ऑटोमेटिकली वो एक्टिव पेज जो है वो इंडेक्स पीएचपी वेब अबाउट अबाउट पे चले गए हैं हम। इसका मतलब यह है कि इससे ये पता लग गया कि हम जो यूजर आपका है अभी एक वो अबाउट वाले पेज पे है, उस पेज को विजिट कर रहा है, अबाउट वाले पेज को विजिट कर रहा है। तो इससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी वेबसाइट का कौन सा वाला पेज जो है वो ज्यादा विजिट किया जा रहा है यूजर्स के थ्रू। बहुत अच्छा ऑप्शन है गूगल एनालिटिक्स, इसकी हेल्प से हम बहुत ज्यादा एनालिसिस कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का। इसका मैं एक चीज और दिखाना चाह रहा हूं आपको, ऑडियंस में आते हैं ओवरव्यू, देखिए ये टोटल ओवरव्यू इसका दिखाई दे रहा है कि कितने यूजर्स हैं, नए यूजर कितने बने, कितने सेशन बने और कहाँ किस लैंग्वेज, लैंग्वेज कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस की है और इंडिया की है, कंट्री कौन कौन सी है जहाँ से हमारी वेबसाइट को ओपन किया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स से ओपन किया गया है, 18 यूजर यूएस के थे और 6 यूजर इंडिया के थे जिन्होंने इस वेबसाइट को ओपन कर रखा है। इवन सिटी भी ये दिखाता है, देखिए कोलम्बस, बोर्डमैन, हैदराबाद, गाजियाबाद, नोएडा, डेनवर, कॉफी वेले, मैथ्यूज, लास वेगास, कहाँ कहाँ से इस वेबसाइट को विजिट किया गया है, हर एक सिटी का लोकेशन भी ये हमें यहाँ पे दिखा रहा है। इसके अलावा ब्राउजर क्रोम पे 22 लोगों ने खोला है, फायरफॉक्स में 2 लोगों ने खोल रखा है इस वेबसाइट को, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज में 10 लोगों ने ओपन कर रखा है, मैक में 9 लोगों ने, लिनक्स में 4 ने, एंड्रॉयड में 1 ने, सर्विस प्रोवाइडर इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है कोई भी लिखा हुआ, दैट मीन्स कि ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड पे 1 यूजर ने ओपन कर रखा है, मोबाइल का सर्विस प्रोवाइडर नॉट दैट, स्क्रीन रेजोल्यूशन 412x892 रेजोल्यूशन वाले मोबाइल पे ही ओपन हो रखा है, इतना रिकॉर्ड भी आपको आपका एनालिटिक जो है वो दिखा देता है, ठीक
ठीक है। तो ये बेसिकली आपको डे बाय डे का रिकॉर्ड यहाँ पे निकल के आ जाएगा, आप महीने का रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, आप साल का रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। और इस रिकॉर्ड को निकालने का फायदा सिर्फ इतना है कि आप इस रिकॉर्ड के बेस में अपनी वेबसाइट या अपने बिजनेस के लिए डिसीजन ले सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट डिसीजन आप अपने बिजनेस को और ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं और ज्यादा बेटर कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये डेटा अगर मिल जाए तो उसका एनालिसिस करना ज्यादा आसान, इवन एनालिसिस करके भी ये सारा कुछ दे रहा है आपको, आपको ये सब कुछ बता रहा है कि कहाँ से कौन से यूजर ने कब आपके वेबसाइट को कैसे ओपन कर रखा है। तो इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल दैट गूगल इज प्रोवाइडिंग टू यू फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा इसका नहीं लगता है, सिर्फ आपकी वेबसाइट सर्च इंजन फ्रेंडली होनी चाहिए और आपकी वेबसाइट जो है वो आप उसके एडमिन होने चाहिए, बस इतना सा अगर आपके पास ऑप्शन है तो फिर आप आसानी से एनालिटिक्स को यूज कर सकते हैं। अगर आप एडमिन नहीं है, आपने किसी से वेबसाइट को बनवा रखा है किसी डेवलपर से, तो आप डेवलपर से कहिए कि भाई मुझे गूगल एनालिटिक्स की रिपोर्ट रेगुलरली सेंड करते रहनी है, आपको बताना है कि एनालिटिक्स क्या ऑप्शन मुझे प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल इन गूगल एनालिटिक्स। यू कैन यूज दीज ऑप्शन टू इम्प्रूव योर वेबसाइट कंडीशन। ठीक है, आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और सेशन यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते हैं अभी के लिए। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। गोपाल सर, बहुत बेहतरीन सेशन रहा सर, थैंक यू। और बहुत कम समय में आपने काफी कुछ चीजें जो है एलोबरेट करने की कोशिश की। आई होप सो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी इससे लाभान्वित होंगे। जी सो कुछ क्वेरीज अगर पार्टिसिपेंट्स को हैं तो प्लीज आप लोग हाँ पूछ ठीक भी है, सकते ठीक हैं अनम्यूट करके, और यू नो यू मे हैंड रेज और इधर यू मे राइट इन चैट बॉक्स ऑल्सो। और मैंने सेशन वन का फीडबैक और अटेंडेंस लिंक भी आपको भेजा हुआ है चैट बॉक्स में, आप उसको भी देख लीजिए। सर एक मेरे पास क्वेरी आई है यू नो इन व्हाट्सएप, ये सज्जन पूछ रहे हैं सर क्या हम भी अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं और उससे अर्निंग बिल्कुल। भी कर सकते हैं, ये पूछ रहे हाँ हैं, हाँ बिल्कुल, ये मैंने पूछ रहे मैंने हैं। अभी बताया ना कि आप चैनल अगर बना लेते हैं अपना, तो आपके पास मिनिमम 1,000 सब्सक्राइबर अगर हो जाते हैं तो उसके बाद आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। बिफोर 2 ईयर्स, अराउंड 2 और 2.5 ईयर्स, 2.5 साल पहले लगभग, जो गूगल का जो लिमिट थी वो थी 100 सब्सक्राइबर की। आपके पास अगर 100 सब्सक्राइबर हो जाते हैं आपके चैनल के, तो फिर आप अर्निंग कर सकते थे। लेकिन आज की डेट में गूगल ने अपनी पॉलिसी चेंज करी है, और अब गूगल क्या करता है कि अगर 1,000 यूजर आपके पास, 1,000 सब्सक्राइबर आपके पास हैं, तभी आप मोनेटाइजेशन को ऑन कर सकते हैं। मोनेटाइजेशन अर्निंग कैसे होती है, मैं बताता हूँ आपको कि जो सब्सक्राइबर आपके हैं, आपके सब्सक्राइबर एड ऑन हुए आपके चैनल पे, और उसके बाद लोग आपके यूट्यूब को, आपके वीडियो को विजिट कर रहे हैं रेगुलरली, और आपने मोनेटाइजेशन ऑन कर रखा है। मोनेटाइजेशन ऑन करते ही क्या होता है, आपके यूट्यूब पे वीडियो वो एड आने लगते हैं। ठीक है, अब जैसे आपका वीडियो चल रहा है और साथ में कोई एड आ गया, उस एड को देख करके अगर किसी यूजर ने उस एड पे क्लिक किया, तो ऑटोमेटिकली वो जो एड का पैसा है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, यानी कि उस एड का पैसा आपके खाते में जुड़ जाएगा, और एक पर्टिकुलर अमाउंट होते ही, लगभग $100 के आसपास होते ही, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ठीक, तो दैट मींस, लेकिन अब वो एड कैसे आएगा, वो एड तब तक आपके वीडियो में नहीं चलेगा जब तक कि आपका 1,000 सब्सक्राइबर आपके चैनल में एड ऑन नहीं होंगे। 1,000 सब्सक्राइबर चाहिए ही चाहिए मोनेटाइजेशन को ऑन करने के लिए, विदाउट उसके आप कमाई इससे नहीं कर पाएंगे। और 1,000 सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। इफ यू आर कंटेंटेड, सो एक्साइटेड, सो एंथुजियास्टिक, और बहुत बढ़िया कंटेंट आपका है जिससे यूजर्स को फायदा मिल रहा है, और जो आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो उससे बहुत ज्यादा लाभान्वित हो रहे हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इतने ज्यादा सब्सक्राइबर होना बहुत बहुत मुश्किल काम नहीं होता, आसानी से सब्सक्राइबर मिल जाते हैं।